76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का दूसरा दिन सेवा के निष्काम भाव को समर्पित दिखा। सेवा दल रैली में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने खाकी व नीली वर्दियों में सुसज्जित भाइयों व बहनों को अपने आशीष प्रदान किए। मानवता व एकत्व को दर्शाते खेल, कर्तव्य, नाटक इत्यादि ने सभी को बहुत हर्षित किया। इन विशाल मैदानों में भी मानव सेवा का एक विराट रूप देखने को मिला। निरंकारी प्रदर्शनी का ये सुंदर रूप भी देखने को मिला, जहां हर तरह की कला के माध्यम से एक संत के जीवन में सुकून के महत्व को समझाया गया। चाहे वर्दी में हो या बिना वर्दी के, सेवा का भाव हर किसी में भरपूर दिखा और एक संत महात्मा के निष्काम जीवन भाव को दर्शाते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने यही कहा। मानवता के लिए सेवा कैसे करनी है कि ये कोई मदद रूप नहीं है, ये तो मन का समर्पण है कि हम होते ही कौन है कुछ किसी के लिए करने वाले। तो हम जहाँ ये परमात्मा के साथ इसी के ऊपर आधारित मन को करते हैं, और जब ये समझ लेते हैं कि ये परमात्मा ने जो बल बगैर बख्शा भी है, तो भी इससे सदुपयोग ही हो, इस शरीर से सेवा हो सके, मन को एक परमात्मा के साथ जितना जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मन भी पवित्र होगा, क्योंकि ये निराकार इस मन में बसेगा। छिहत्तरवें वार्षिक निरंकारी समागम का तीसरा व अंतिम दिन हुआ तो कदम इन रिहायशी टेंटों की ओर चल पड़े, जहां हर प्रदेश व प्रांत से आए संत प्रभु स्तुति में लीन दिखे। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ओ तेरे आते रोन का ते चा चढ़िया, तेरे आते रोन का ते चा चढ़िया, कल्ला तेरा दाते आज गोदा पड़िया, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। एक और सहज मन तो दूसरी ओर स्वस्थ जीवन को अहमियत देते हुए लाखों के इस मानव परिवार के लिए डिस्पेंसरीज व कायरोप्रैक्टिक विभाग का भी एक विशाल रूप देखने को मिला। 6 एलोपैथिक डिस्पेंसरीज, 4 हमारे पास होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं, 14 फर्स्ट एड पोस्ट्स हैं इमीडिएट ट्रीटमेंट देने के लिए, 22 से अबव हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें 4 ACLS एम्बुलेंसेज है। तो इमीडिएटली अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है कोई सर्विसेज की, तो वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कई तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, ICU यूनिट्स, एम्बुलेंस सेवाओं को देखकर ऐसा लगा कि हर मानव आई हुई समस्त साध संगत की सेहत का ध्यान रखने में लगा हुआ है। Myself, Dr. नवदीप छाबड़ा, और सदगुरु की कृपा से दासी को एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट की ड्यूटी निभाने का मौका काफ़ी सालों से सच्चे पातशाह ने बख्शा है। सदगुरु की कृपा से हमने यहाँ पर एक पूरा डेंटल सेटअप लगाया है। हमारी जो टीम है वो 15 से 20 डॉक्टर्स यहाँ पर डेली सेवा निभा रहे हैं, और लाखों की तादाद में हमारे महापुरुष जो यहाँ पे पहुँचे हैं एनुअल इवेंट को अटेंड करने, उनकी ही सेवा में हमारे सारे मेडिकल बहन भाई, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल्स का स्टाफ, टेक्नीशियंस, इन सबसे बहुत दिनों से तत्पर हैं। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सदगुरु माता जी, I feel very fortunate to be a part of this medical team. Dispensaries के साथ था ये chiropractic विभाग, जहां दूर देशों से आए expert doctors संतों की सेवा कर उनके शारीरिक दुख हर रहे थे और एक रूह दूजी रूह के दर्शन करके धन्य महसूस कर रही थी। Hello, my name is Casilda Delgado. I come from Spain. I'm a chiropractor and I came here to Seva. It makes me feel reconnect also to myself, because also if I come here to help people to reconnect with their brain, with the spinal cord, with all their bodies,
I come back reconnected too, because this is my second time and probably is not gonna be the last time I come here. Hi, my name is Liam and I've come from the United Kingdom. Everyone is so welcoming for us, and the experience that's created in the chiropractic clinic here is just amazing. Hi, my name is Sarah and I am from the United States. I am from California. I'm just very grateful of everybody that has showed up. I'm grateful for this time that I'm here, and I'm just ready to serve the people. अनगिनत विभागों में हजारों महात्मा दिन रात सेवा करते हुए पूर्ण समर्पण की एक ऐसी मिसाल हैं जिसके लिए शब्द नहीं है। आइए ऐसे कुछ विभागों के सेवादारों से उनके भाव श्रवण करते हैं। वेलकम टू द गाइड ग्रुप। आवर मेन सेवा इज दैट कि जितने भी वीआईपीज या डिग्निटरीज संत निरंकारी समागम पर आना चाहें, हम उनके लिए एक बहुत स्मूथ तरीके से एक चैनल बनाते हैं, फिर हम उनको एक बहुत सुंदर तरीके से सदगुरु माता जी के चरणों तक लेके जाते हैं, दर्शन कराने के बाद उनको संगत में बिठाते हैं। हमारी सेवा यहाँ पे ये है कि जो स्पेशल नीड्स के महात्मा समागम अटेंड करने के लिए आते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, बाहर से, हम उनको जो ठहरने का यहाँ पे टेंट्स में व्यवस्था है वहाँ से इनको कारों में लेके आते हैं यहाँ पे। उनके लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोविजन के साथ साथ जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, एक्यूप्रेशर की फैसिलिटीज़ हैं, और जो सदगुरु के दर्शन करके जो उनको सुकून मिलता है वो सुकून हमको भी प्राप्त होता है सत्संग। संत निरंकारी मिशन के अंदर इस पंडाल के अंदर कम से कम 16 से 18 पब्लिकेशन लगाए गए हैं जिनमें अनेकों प्रकार की भाषाएं मौजूद है। ये संसार को एक मैसेज है, सुकून अंतर मन का विषय है। लिटरेचर से लेकर के और अन्य भाषाओं में किताबें बुक्स जो है वो संसार के लिए मैसेज दिया जाता है ताकि लोग इसको अच्छे से पढ़े और पढ़ करके ये सुकून के बारे में जाने, सुकून है क्या। Hi, my name is Gundeep Singh. I'm from Michigan, USA. Dasi, Melbourne, Australia se aaye. I'm present here from Toronto, Canada. When I say I'm completely blessed out, it means complete sukoon. It means complete peace of mind, and it means complete peace within. Dasi, bayan nahi kar sakdi, inni khushi ho rahi hai seva karke, sangat karke, simran karke, bahut maza aa raha hai Dasi nu. Living in the Western world, I've personally witnessed that people today are engaging in so many activities, trying to do so much to find that one moment of bliss, of peace, of happiness. And yet, I see them going around in circles, trying to find the answers and not knowing where to go. And saints, I can say with conviction today that this samagam here, the presence of Satguru in our lives, the Brahma Gyan is the only way through which one can attain that eternal bliss, that peace that we are all yearning for. Yahan bahut se mahatma desh videsh se aakar 76ve varshik nirankari sant samagam mein shamil hue, wahin duniya ke har kone mein aise anginat santon tak ye samagam live pahunchaya ja raha tha, aur isme laga hua tha ye ICT department. ये जो आप 76वां निरंकारी संत समागम देख रहे हैं, इसको जो लाइव प्रोग्राम दिया जा रहा है, इसकी सेवा के लिए ग्लोबली जो हमारे सेवादार आईटी एक्सपर्ट्स आए हुए हैं उनकी सेवाओं के कारण हम वो संत महात्मा जो घर पर बैठे हैं सतगुरु सच्चे पातशाह के आशीर्वादों को प्राप्त कर रहे हैं, और इसके पीछे जो आशीर्वाद आया है हमारी आईसीटी टीम को सेवा करने का, हमारी स्टूडियो टीम को सेवा करने का, और साथ में ब्रॉडकास्टिंग टीम को इन सेवा करने का मौका मिला है, और इसके अतिरिक्त जितने भी विभाग हैं सब विभागों में थोड़ी सॉफ्टवेयर बना बना कर उसको थोड़ा इजी करने के लिए सिस्टम को आज के इस डिजिटाइज युग में जैसे माता जी का आशीर्वाद आया है कि हमें भी इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना है, नमन सॉफ्टवेयर निरंकारी ऑटोमेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत सभी विभागों को जो सेवाएँ दी जाती हैं सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए। ये जो आईसीटी टीम दिन रात जो सेवा कर रही है, इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है जिसके लिए हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और मराठी में समागम से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन कभी भी 24/7 में आप पूछ सकते हैं। एक ओर इंटरनेट और ब्रॉडकास्ट की सेवाएं, तो दूसरी ओर निरंकारी स्टूडियो का अथक प्रयास कि इस दिव्य दृश्य को बखूबी रिकॉर्ड किया जा सके। ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, हर तरह की सेवाओं में विश्व भर से आए संत योगदान दे रहे थे।
समागम पे जितने भी महात्मा स्टेज पर अपने भाव और अपने प्रवचन पेश करते हैं, उनके पीछे की जो उनकी कॉम्प्लीमेंटिंग, उनकी ग्राफिक्स और उनकी स्क्रीन्स हैं, वो ये वाली टीम है जो सारे ग्राफिक्स बनाती है। इसमें हमारे पास मुंबई से भी टीम आती है जो समागम से हफ्ता पहले आ जाते हैं और पूरा अपना यहाँ पे एक्सपर्टीज देते हैं। इसमें एनिमेशंस के भी हैं और एक हमारी ट्रांसलेशन टीम्स भी हैं, बिकॉज समागम मल्टीलिंगुअल होता है तो उसमें कई ऐसी रीजनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं जिनकी ट्रांसलेशंस करके हम स्क्रीन पे लगाते हैं। समागम में जो भी स्पीकर्स होते हैं उनसे जो थीम होती है वी ट्राई एंड डिपिक्ट इट। ये सद्गुरु का यही ध्यान रहता है कि जो प्रेजेंटेशन है वो इंटरेस्टिंग हो, थोड़ी कलरफुल हो, क्रिएटिव हो, पर एट द सेम टाइम वो समागम की थीम और उसका मैसेज अच्छी तरह से हम पोर्ट्रे कर पाए। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द होल टीम एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ देम। थैंक यू। आइए अब चलते हैं सत्संग पंडाल की ओर, जहां संतों के भाव जीवन को एक सही दिशा दे रहे हैं। सत्संगत, 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम, जिसके आज तीसरे रोज में बड़े ही सुकून के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं, इस समय आदरणीय पंकज साखी जी, इनके साथी संपूर्ण अवतार वाणी के इस शब्द द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। पंज तताने पुतले आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए संपूर्ण हरदेव वाणी का एक शब्द होगा, सुंदर गायन होगा और बहन दिव्या डोगरा जी और साथी बहनें ये मिलजुल करके फिर एक बार जरियाए संगीत इसी के माध्यम से ये संपूर्ण हरदेव वाणी का पावन पवित्र कीर्तन लेकर के हमारे बीच आइए, इनको श्रवण करते हैं।
यहाँ खिल्लूमल जी, अनिल जी और साथी, और इनके पश्चात सपना सिदाना जी से निवेदन है कि वो पंजाब जालंधर से हिंदी विचार के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। देखो जी भगवान ला दो तलिया मागे का वाणी में भी लिखा है कि पूरा सतगुरु जिसके ऊपर अपनी मेहर लुटाता है, सुख व आनंद वाला जीवन जग में वही बिताता है। कि जिसके ऊपर पूर्ण सतगुरु की ब्रह्म ज्ञान रूपी मेहर हो जाती है, फिर उसी का जीवन इस निराकार प्रभु दातार के एहसास में रहते हुए आनंद में सुख में व्यतीत होता है। सासंगत, जब दासी को भी सदगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, तो सासंगत यही भाव मन में आया कि मैं तो इसी में चल फिर रही थी, उठ बैठ रही थी, खा पी रही थी, ये तो हर पल मेरे साथ था, मेरे पास था, ये तो कभी मुझसे दूर था ही नहीं, ना तू मुझसे दूर ना मैं तुझसे दूर था, आता ना था नज़र तो क्या ये नज़र का कसूर था, कि ना ये मुझसे दूर था ना मैं इससे दूर थी, फिर ये मुझे नज़र क्यों नहीं आता था। क्योंकि सासंगत, जिन आँखों से इस निराकार प्रभु दातार को देखने का प्रयास किया जा रहा था, उन आँखों से तो ये दिखाई ही नहीं देता। जब पूर्ण सदगुरु कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की नज़र बख्शते हैं सत्संगत, तभी इसके दर्शन दीदार किए जा सकते हैं, तभी सत्संगत ये कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर तरफ सत्संगत ये भरपूर नज़र आता है। आओ सत्संगत, आज सतगुरु ने कृपा की है, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात सत्संगत, इतनी अमोलक दात इन्होंने हम सबकी झोली में डाली है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास कि इस ज्ञान की कद्र कर पाएं, इसकी संभाल कर पाएं, और संभाल का भाव सासंगत यही कि इनके वचनों के अनुसार, इनकी शिक्षाओं के अनुसार मैं अपने जीवन का हर एक पल बिता पाऊं, तभी सासंगत जीवन के हर एक पल में सुकून है। और आइए चलते हैं अब दक्षिण भारत की ओर, और तमिलनाडु से आए हुए ये संत महात्मा वेंकटेशन जी और साथी, तमिल भाषा होगी, सुर संगीत होगा, मौसीकी का सहारा, आइए मिलजुल करके इस रचना का हम हिस्सा बने। और इनके बाद फिर एक और रचना जिसको हम
श्रवण करेंगे। दीमापुर से आए हुए सात संगत के सदस्य ये मिलजुल करके एक रचना हम सभी के साथ साझा करेंगे। अभी इस तमिल रचना का हम आनंद प्राप्त करें। आदरणीय महात्मा विनय राजपूत जी अपने व्याख्यान में प्रकट करेंगे। विनय राजपूत जी नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और इनके बाद निवेदन करूंगी एक गीत के लिए याचना साहू जी से राउरकेला ओडिशा से ये एक गीत की कृपा करेंगे। यजुर्वेद के अंदर भी श्लोक आता है कि इको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म सर्वत्र एक ही है, इसमें प्रथम या द्वितीय का प्रोटोकॉल है ही नहीं। और साथ साथ जब एक ही ब्रह्म सर्वत्र स्थित है तो सबसे पहला धर्म और कर्म यही होना चाहिए कि मैं अपने आप को पहचानूं, आत्म साक्षात्कार करूं। और कबीर दास जी भी साथ साथ अपनी वाणी में फरमाते हैं कि कबीर एक ना जानिया बहु जानिया क्या होए, एक से ही सब होते हैं सबसे एक ना होए। कि कबीर एक ना जानिया बहु जानिया क्या होए, कि सासंगत बहुत कुछ जान लिया जाए, बहुत कुछ पढ़ लिया जाए, बहुत कुछ समझ लिया जाए, लेकिन अगर एक ईश्वर को, एक परम सत्ता को नहीं जाना तो सासंगत कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। एक से ही सब होते हैं सबसे एक ना होए, कि सारे मिलकर भी सासंगत इस एक को नहीं बना सकते। और ये समझ, ये रमज सिर्फ और सिर्फ सासंगत सदगुरु के चरणों से प्राप्त होती है। और उसके बाद सासंगत फिर ये भेदभाव, ये भ्रम भी मिट जाते हैं, क्योंकि सासंगत बोध हो गया कि ये जो सत्य है जिसको मैंने देखा है, ये कण कण में व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसका कोई धर्म या मजहब नहीं है, कोई स्थान विशेष नहीं है, यह सासंगत सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है। और सदगुरु की कृपा से दास जिस फील्ड में जॉब करता है, मेडिकल लाइन में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और सासंगत जब मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शंस के लिए, मेडिसिन को सेल्स करने के लिए फील्ड में जाते हैं, एरियाज में जाते हैं,
डॉक्टर से मिलना होता है, तो एक बात सासगर जीवन में अनुभव की वो यही कि इस पर्टिकुलर दवाई को ये जाति वाला खाएगा, ये जो दवाई बनी है ये इस धर्म वालों के लिए बनी है। नहीं सासंगत, दवाइयाँ कभी कोई भेदभाव नहीं करती। ठीक उसी तरह सासंगत जी, सदगुरु भी ये भ्रम ज्ञान रूपी दवाई जब प्रदान कर देते हैं तो सासंगत ये जो भेदभाव है जाति पाति के, धर्म मजहब के, ये भेदभाव सासंगत मिट जाया करते हैं। और सासंगत इसके लिए जरूरी है चेतनता, जागना, और इसका एकमात्र उपाय है सासंगत आध्यात्मिक जागृति। और ये आध्यात्मिक जागृति पूर्ण रूप से पूर्ण सद्गुरु के चरणों से ही सासंगत प्राप्त होती है, क्योंकि सासंगत ये इन निगाहों में ही वो निगाह सासंगत डाल देते हैं, ज्ञान की निगाह। फिर वही भाव के सासंगत, इको नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकते सारी है। तो अवसा संगत अरदास यही सदगुरु के चरणों में, सच्चे पाशा जो ज्ञान की निगाह, जो ये ज्ञान रूपी उजाला हम सभी के हिस्से आया है, ये ब्रह्म ज्ञान की दात हर किसी के जीवन में आए। आओ मिलके सभी बैठे, आओ मिलके सभी बैठे, दीवारे सब गिरा डाले, जमी के जर जर को, जमी के जर जर को मोहब्बत।
आइए अब दूर देशों की ओर बढ़ते हैं। इटली से आई हुई ये बहनें, पंजाबी भाषा होगी और फिर से ये सुर साज, इनका संगम, मिलजुल करके आइए इस भजन का, इस गीत का आनंद प्राप्त करें। और इनके बाद दास निवेदन करेगा, बंगाली भाषा होगी और कोलकाता वेस्ट बंगाल से आए हुए महात्मा प्रथा दास जी ये आकर के सद्गुरु की इन्हीं शिक्षाओं को, सिखलाइयों को हम सभी के साथ साझा करेंगे। अभी इटली से आई है बहनें, आशीर्वाद प्राप्त करें। সদ্গুরু যুগে যুগে আসেন এবং তার সেই সময় অনুযায়ী বিশ্বকে পরিচালনা করেন। সদ্গুরুর পরিচয় কেবল এবং কেবল মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমেই সম্ভব। সদ্গুরুই ব্রহ্মজ্ঞানের দাতা এবং এই যে ব্রহ্মজ্ঞান তা সবথেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। জাগতিক কোনো জ্ঞানের সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না। জাগতিক কোনো জ্ঞান দিয়ে তাকে প্রমাণ করাও যায় না। সদ্গুরুই স্বয়ং নিরাকার, স্বয়ং প্রভু পরমাত্মা। তিনি একমাত্র জীবকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে তাকে তার জীবনের উদ্দেশ্যকে দেখিয়ে দিতে পারে, তার জীবনকে সফল করে দিতে পারে। তাই এমন সদ্গুরুর চরণে আমাদের প্রত্যেকের সমর্পিত হওয়া দরকার, এবং শুধু সমর্পিত নয়, পূর্ণরূপে সমর্পিত হওয়া দরকার। সমর্পণ হলো পূর্ণরূপে নিজের অহংকার সত্তাকে অর্পণ করে দেওয়া। ভক্ত যখন তার মনের 100% ভাগ দিয়ে শুধুমাত্র সদ্গুরুকে স্মরণ করে, প্রভু পরমাত্মা নিরাকারকে তার অঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে, তখনই তার সমর্পণ সম্পূর্ণ হয়। তার যে খণ্ড সত্তা আছে, সেই খণ্ড সত্তা অখণ্ড সত্তার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে সদা সর্বদা এক আনন্দ বিরাজ করে, এক প্রশান্তি বিরাজ করে। সম্পূর্ণ হরদেব বাণীতে বাবা হরদেবজি বলছেন, তু তু কে সাগর মে জো ভি গোতে নিত্য লগাতা হ্যায় ও জন মন সে শীতল হোতা আনন্দ সে ভর জাতা হ্যায়। আব জেসে নিবেদন কিয়া জা চুকা হ্যায় বহন নেহা অর নীতিকা যাদব জি, বিড মহারাষ্ট্র সে ইয়ে বহন মারাঠি ভাষা মে গীত কে রূপ মে আশীর্বাদ প্রাপ্ত কর রহি হ্যায়। অর ইনকে বাদ চরণজীব সাহেব জি लांसी जम्मू कश्मीर से ये महात्मा अपने भाव कश्मीरी भाषा में रखकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कृपावंत है विधाता
जिसकी कृपा से असंभव संभव हो जाता है, मैं ऐसे गुरु के चरणों में नमन करता हूं। युष्ण चेनुन तगान, युष्ण वेखनुन तगान, वन विच इज बियॉन्ड फीलिंग एंड एक्सप्लेनेशन, आसान युहुन वजूद सठा बलवान। इनका वजूद बहुत ही बलवान होता है। छुस नमान तस निराकारस ब्रह्मस, युस यथ कायना तस पान छुई रचान। जो इस सारी कायनात को खुद रचता है, और फिर सत्संगत का किस खास किस मंशी पाथान स्वयं किसी एक में ये प्रकट हो जाता है। आओ सत्संगत, इको एक है खेड़ है, एक दी लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई बुलेखा नहीं। समस्त धर्म ग्रंथ सत्संगत इसका हवाला देते कि ये स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर होता। कारण क्या है कि ये सतगुरु सत्संगत जो अंधकार अपने ज्ञान दुह, दुह मीन्स महक, अपने ज्ञान की महक से ये समस्त अंधकार, गट गट मने एक्सट्रीम डार्कनेस, एक्सट्रीम इग्नोरेंस, उसको ये मिटा देता है, सारे ब्रह्म खत्म कर देता है। फिर हमारे मन से एक भावना आती है कि तुम ही हो, मत समझना कि इसके परे भी कुछ है। गुरु के तत्व के बगैर और कोई दूसरा तत्व नहीं होता। युच नोन द प्रकुट, नोन मीन्स जाहिर है, गुरु इसको प्रकट करके दिखाता है। और सत्संगत, देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, यानी के जो गुरु के सेवा से, गुरु भक्ति से जो दूर रहकर जो छोड़ देते हैं, वो कोई मंजिल नहीं पा सकते। सच्चे साधु संत हरिदे इको गल फरमांदे ने, दाने भी जे छड़न भक्ति सौ सौ गोते खांदे ने। और सत्संगत, एक तरफ तो ये कहा गया, दूसरी तरफ बात वो कह रहे हैं, सारवी पापों सूत मलुत, समस्त पापों से लिप्त आत्मा, घर सिवाय गुरु के से, गुरु की सेवा, किसकी सेवा, चरण कमलों की सेवा, सारवी पापों सूत मलुत, गुरु चरणन हिंदी सेवाय सिच्छु शदान, शुद्ध मने शुद्ध हो जाता है। अवगुण बड़े भंडारे होन, हर थां ते ओ पूजिया जावे, जे सतगुर परवान करे। और कृपा करो सत्संगत, कितना परिवर्तन ये ब्रह्म ज्ञान से, सतगुरु की चरण शरण में आने से। आशीर्वाद दो सत्संगत, हम इसकी चरण शरण में आए हैं, चरण शरण में बने रहे। सागर जी और साथी, पंजाबी भाषा होगी, गुरदासपुर से आए हुए ये नौजवान मिलजुल करके हम सभी को और हम सभी सत्संगत मुस्कुराते हुए सुकून के साथ जिस तरह रचना होगी उसमें गुनगुना करके भी शामिल हो सकते हैं। आइए इनको हम श्रवण करेंगे और इनके बाद फिर एक बार बढ़ेंगे हम दक्षिण भारत की ओर। इस बार बेंगलुरु कर्नाटका से आए हुए नौजवान अनिल जी और साथी कन्नड़ा भाषा होगी एक रचना के माध्यम से हमारे बीच होंगे। अभी इन साथियों को पंजाबी भाषा में हम श्रवण करें। तेरे सतगुरु सतगुरु मां, तेरे सतगुरु सतगुरु मां, तेरे सतगुरु सतगुरु हां, तेरे सतगुरु सतगुरु मां, असा रब नू पाया है, तेरे सतगुरु सतगुरु मां, असा रब नू पाया है, तेरे सतगुरु सतगुरु रब नू पाया है, तेरे सतगे सतगुरु हां, तेरे सतगे सतगुरु हां, तेरे सतगे सतगुरु हां।
ਸਤਿ ਕੇ ਸਤਿ ਗੁਰੀ ਮਾ ਅਸਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਏ ਤੇਰੇ ਸਤਿ ਕੇ ਸਤਿ ਗੁਰੀ ਮਾ ਅਸਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਏ ਜਿਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਲੱਭਦੇ ਸਾਂ ਜਿਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਲੱਭਦੇ ਸਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ तेरा शुक्र करा हर सा तेरा शुक्र करा हर सा ओ तेरी अति अदा तेरा शुक्र करा हर सा तेरा शुक्र करा हर सा दाता कर दे रहना है तेरा शुक्र करा हर सा में मिट जाए आ, 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 आ।
संगठन रचना भल्ला जी इंग्लिश भाषा के माध्यम से अपने भाव प्रकट करेंगी, ये बहन कैथल हरियाणा से, और इनके बाद कुवैत की सात संगत के महात्मा एक कवाली के रूप में सात संगत से सदगुरु से अपने आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी बहन रचना भल्ला जी। Saints, we as youngsters sometimes tend to think that we are blessed with a family that's so loving. We have friends that are our all-time backups. We have education to support our living. Then which void has to be filled by Brahma Gyan? Which void will God knowledge fill? It's a pity that we have settled for less. The answer to the question that which void will taking Brahma Gyan fill is that, what was the need of knowing our own parents? If we ask someone who does not know their own mom or dad, that are you able to sleep peacefully while you don't know who's your dad or mom? I don't think the answer will be a yes. So if the soul doesn't know whom does it belong to, it won't find that inner peace. Like a tree whose roots are well nourished, we can see that in the leaves and the fruits of the tree. Like a child who's well loved in the family, we can see that glow on the face and the confidence in the heart. Likewise, when the soul knows that who's my father, whom do I belong to, where's my home, it's nourished, it feels that inner peace. Now, where to get this knowledge from? It's to be gotten from Sadhguru. But because of a few attractions and distractions in life, we tend to not search for the Sadhguru at all. And we feel that should my life be dictated by someone? Should I be following instructions of someone all the time? Yes, because those who have masters are taken care of. Sadhguru not only bestows us with Brahma Gyan, tells the soul where the home is, tells the soul how to get back to home, but also gives the tools of Seva, Simran and Satsang. In the end, I would just quote the lines that I've written. Tere ishq se bhari hui har rachna ko mil gaya sukoon hai. Teri muskaan ka ban paun main karan, yahi talab bas yahi junoon hai. Mile oda koi bolna pure
सत्संगत 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम और आज ये तीसरा दिन जिसका हम अभी तक सत्संग कार्यक्रम के रूप में आनंद प्राप्त कर रहे थे। हालांकि इस समागम पर एक विशेष रहमत सच्चे पातशाह की ओर से आई जो हमने पिछले दो दिनों में देखी, जब पहले दिन बाल और युवा संत हमारे बीच, जो सच्चे पातशाह ने उनकी नन्ही उन कलमों से उन हाथों से जो रचनाएं कलम बंद कराई वो आप जी के बीच लेकर के आए और आपने परवान की। कल भी हमने देखा जो महिला बहनें उन्होंने मिलकर के एक सुंदर कवि दरबार जिसका रूप यहाँ सजा, और आज क्योंकि ये तीसरा दिन है और समागम की इन श्रृंखलाओं में जो एक सिलसिला बनता आ रहा है जिसको हम एक मुख्य कवि दरबार का रूप कहते हैं, वो सत्संगत सदगुरु की कृपा से इस सुकून के साथ, इस आनंद के साथ, इस प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ उसका आगाज होने जा रहा है सच्चे पातशाह की अनुमति से, और इसका हम अब भरपूर भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे। हम देख रहे हैं हमारे सारे ही उस्ताद शायर कवि, हालांकि जो पिछले दो दिन में गए उम्र करके वो छोटे थे सत्संगत उस्ताद, तो वो सारे शायर भी हैं, और ये भी जो महात्मा यहाँ आकर के बैठे हैं सदगुरु के ब्रह्मज्ञानी संत जो दतार ने बख्शिश की है, ये कला तालीम इनको अता की है, उसी का सहारा लेकर के अपना कलाम अपना काव्य पाठ बारी बारी से अब यहाँ आकर के करेंगे। तो आज के इस कवि दरबार का आगाज करते हुए दास इस समय निवेदन कर रहा है महात्मा शंभू मस्ताना जी मानसा पंजाब से, ये आए और आकर के इस कवि दरबार का आगाज भी करें और अपना कलाम हम सभी के समक्ष रखें, और इनके बाद फिर कविता हम श्रवण करेंगे पूज्य अनिल बामनिया जी, इनसे हम इनकी कविता श्रवण करेंगे। सुकून कोल है निरी मोहब्बत, बंदे कोल मगरूरी है। वाह क्या बात है, वाह जी वाह। सुकून कोल है निरी मोहब्बत, बंदे कोल मगरूरी है। वाह जी वाह। बंदे ते सुकून बचाले ऐसे करके दूरी है। क्या बात है, क्या कहने। सुकून कोल है निरी मोहब्बत, बंदे कोल मगरूरी है। बंदे अते सुकून बचाले ऐसे करके दूरी है। और शिकवियां वाले घर नहीं जांदा। हां जी राजन जी, जी जी जी। शिकवियां वाले घर नहीं जांदा, सुकून दी भी मजबूरी है। हां जी पक्का डेरा लाके रहंदा जिथे सबर सबूरी है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शिकवियां वाले घर नहीं जांदा, सुकून दी भी मजबूरी है। पक्का डेरा लाके रहंदा जिथे सबर सबूरी है। सुकून बिना ए जिंदगी दी हर एक खुशी अधूरी है। सुकून बिना ए जिंदगी दी हर एक खुशी अधूरी है। जिंदगी विच जरूरतां वांगू सुकून भी बड़ा जरूरी है। जिंदगी विच जरूरतां वांगू सुकून भी बड़ा जरूरी है। कि कुछ ख्यालां नूं शब्द मिले ना, कुछ शब्दां नूं ख्याल नहीं मिलदे। कुछ ख्यालां नूं शब्द मिले ना, कुछ शब्दां नूं ख्याल नहीं मिलदे। कुछ सुख मिलदे पैसे दे नाल, कुछ सुख पैसे नाल नहीं मिलदे। कुछ सुख मिलदे पैसे दे नाल, कुछ सुख पैसे नाल नहीं मिलदे। सुख सुकून रहमत दे तोहफे, सुख सुकून रहमत दे तोहफे। दिल विच होण सवाल नहीं मिलदे। सुख सुकून रहमत दे तोहफे, दिल विच होण सवाल नहीं मिलदे। नजरां दे नजराने सोहणे, बिन तेरे दीन दयाल नहीं मिलदे। नजरां दे नजराने सोहणे, बिन तेरे दीन दयाल नहीं मिलदे। अधूरे ना रह जाइए शंभू जी, वाह जी। अधूरे ना रह जाइए शंभू, गुरु दी कृपा पूरी है। अधूरे ना रह जाइए शंभू, गुरु दी कृपा पूरी है। जिंदगी विच जरूरतां वांगू सुकून भी बड़ा जरूरी है। अंतर मन बेचैन अगर है, अंतर मन बेचैन अगर है, छप्पन भोग में स्वाद न आता। सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। सभी सुख सुविधाओं वाला महल भी हमको नहीं है भाता। नहीं भाता। खुशी रूहानी जिसको मिलती, जिसको मिलती खुशी रूहानी जिसको मिलती,
सूखी रोटी मजे से खाता। झोपड़ी में रहने वाला भी चादर तान के है सो जाता। क्या बात है, वाह 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 जी। सहज सरल बनेगा जीवन। जी बिल्कुल, सहज सरल बनेगा जीवन, मन में प्रभु बसाना होगा। सुकून सुकून अंतर मन में रहेगा, प्रभु का जब शुक्राना होगा। प्रभु का जब शुक्राना होगा। शुक्राना अनिल जी। मुझे पता है, मुझे पता है यारो ये के मन को कहां आराम मिलेगा। जी। आम के आम और गुठलियों का भी जहां पे हमको दाम मिलेगा। वही वाह वाह जी, आम और गुठली दोनों का। दो तलियों के बीच में हमको, दो तलियों के बीच में हमको कण कण में बसा राम मिलेगा। ये तो संभव तब होगा जब इस सतगुरु का धाम मिलेगा। सर के संग मन को भी अनिल, सर के संग मन को भी अनिल, गुरु चरणों में झुकाना होगा। सुकून सुकून अंतर मन में रहेगा, प्रभु का जब शुक्राना होगा। प्रभु का जब शुक्राना। इनायत के सफीने में कोई बैठा नहीं सकता। जी जी, इनायत के सफीने में कोई बैठा नहीं सकता, कि भब से पार तेरे बिन कोई पहुंचा नहीं पहुंचा सकता, नहीं सकता भाई। भब से पार तेरे बिन कोई पहुंचा नहीं सकता। खुदा से बेखबर बंदा फिरे है दर बदर बेचैन। जी जी जी, दर बदर बेचैन। खुदा से बेखबर बंदा फिरे है दर बदर बेचैन, समंदर से मिले बिन चैन कतरा पार नहीं सकता। वही वाह वाह, समंदर से क्या बात है, मिले बिन चैन कतरा पार नहीं सकता। उठा होगा अकड़ में सर, चला या मूंद कर आंखें। उठा होगा अकड़ में सर, चलाया मूंद कर आंखें, उजाले में बगरना कोई ठोकर खा नहीं सकता। भाई वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। उजाले में बगरना कोई ठोकर खा नहीं सकता। और एक खास ख्याल है उस्ताद जी। जी जी इरशाद जी, जमाने भर की हर शय पास हो बेशक मेरे रहबर। बेशक, जमाने भर की हर शय पास हो बेशक मेरे रहवर, सुकूने दिल तेरे दीदार के बिना नहीं सकता। सुकूने दिल तेरे दीदार के बिन आ नहीं सकता। और मक्तार्ज है कि सच से दूर कर देगा उसे ये मन मुरीद आखिर। जी बहुत बढ़िया मक्तार्ज, कि सच से दूर कर देगा उसे ये मन मुरीद आखिर, जो गुरमत की जमी में अक्ल को दफना नहीं सकता। भाई वाह भाई वाह, जो गुरमत की जमी में अक्ल को दफना नहीं सकता। पावे महल चुबारे होवन माया दा अंबार होवे, रथ कोड़े ते हाथी होवन, लश्कर बेशुमार होवे, ताज सिरां ते सोंदे होवन, गल ही रहा हार होवे, नौ रत्ना दी महफल होवे, सजया खूब दरबार होवे, फिर भी रूह भटकती रहिंदी, फिर भी रूह भटकती रहिंदी, कमल ना दिल दा खिलदा, जो सुकून है अंतर मन दा बाज गुरु ना मिलदा, जो सुकून है अंतर मन दा बाज गुरु ना मिलदा। ख्याल है जी के किन्ना सियाणा होया बंदा, किन्ना सियाणा होया बंदा, चन्न दा ढिड फरोले, कादर दी पहचान नहीं तहां, कुदरत दियां खोले, बनिया फिरे व्यापारी हीरे, कौड़ियां बदले तोले, चैन दिलांदा वेखो बंदा वस्तां विचों टोले, चैन दिलांदा वेखो बंदा वस्तां विचों टोले, ऐ पर कादर जाने वाजों, मुल नहीं पैंदा तिल दा।
ਐ ਪਰ ਕਾਦਰ ਜਾਣੇ ਵਾਜੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਿਲ ਦਾ ਜੋ ਸਕੂਨ ਹੈ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਸਕੂਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੋਲਾ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਅੰਕਲ, ਆਪ ਕੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬਾਲਕਨੀ ਮੇ ਦੌੜ ਕਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਕੀ ਵੀ ਗਈ, ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤੇ ਹੋ ਵੇ ਸਕੂਨ ਹੀ ਤੋ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤੇ ਹੋ ਪੜੋਸੀ ਕੀ ਵੀ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਹਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਵਾਹ ਜੀ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਆਗੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਸੁਨੋ ਅੰਕਲ, ਹਾਂ ਜੀ, ਜਬ ਕਿਸੀ ਬੱਚੇ ਕਾ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਮੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪੇਪਰ ਉਸਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਮੇ ਜਬ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸਸੇ ਕਹਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋ ਕਾ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਕੂਨ ਹੀ ਤੋ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਦੈਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਬ ਆਖਿਰ ਮੇ ਮੈਨੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਕਹਾ ਬੇਟਾ ਹਕੀਕਤ ਮੇ ਵੋ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਮੇ ਵੋ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਤੇ ਵਕਤ, ਕਿਸੀ ਪਿਆਸੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤੇ ਵਕਤ, ਗੈਰ ਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਤੇ ਵਕਤ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਾ ਭਾਵ ਮਨਾਤੇ ਵਕਤ, ਜੋ ਦਿਲ ਮੇ ਆਨੰਦ ਆਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਤੋ ਸਕੂਨ ਕਹਿਲਾਤਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਤੋ ਸਕੂਨ ਕਹਿਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਕੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠਹਿਰਾਵ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਭਟਕਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਹੇ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਮਨ ਨਾ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਸਦਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹੇ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਸਾ ਰਹੇ, ਵਾਹ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਸਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਰਹੇ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਰਹੇ, ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੇ ਸਕੂਨ ਲਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰਹੇ, ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੇ ਸਕੂਨ ਲਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਿਖਰ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਵਸਣ, ਰੂਪ ਨਿਖਰ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਵਸਣ, ਹਸਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਹਸਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਭੇ ਦੂਰ ਬਲਾਵਾਂ ਨਸਣ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਣ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ, ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ ਇਸ ਦੀ, ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ ਇਸ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਧਰਵਾਸਾ ਰਹੇ, ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੇ ਸਕੂਨ ਲਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਬਿਨੂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਬਿਨੂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਮਿਟੇ,
बिनु मान मिटे नहीं पाए सुकून। बिनु ज्ञान मिले नहीं मान, बिनु ज्ञान मिले नहीं मान मिटे, बिनु ज्ञान मिले नहीं मान मिटे, बिनु मान मिटे नहीं पाए सुकून। मृग में ही सदा, मृग में ही सदा, मृग में ही सदा कस्तूरी बसे, वन में भटके नहीं पाए सुकून। मृग में ही सदा कस्तूरी बसे, वन में भटके नहीं पाए सुकून। कहे दीपक माया मरी दुनिया, रब से बिछड़े कहाँ पाए सुकून। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहे दीपक माया मरी दुनिया, रब से बिछड़े कहाँ पाए सुकून। जब ले गुरु पाँव लिए ना धरी, तब ले केहू हाथ ना आए सुकून। जब ले गुरु पाँव लिए ना धरी, तब ले केहू हाथ ना आए सुकून। The peace within that I search for, in confidence I can say that it's you. In confidence I can say that it's you. It's you. In these times of vast and fast technology, in these times of vast and fast technology, unlimited information at my fingertips, but limited apology. Unlimited information at my fingertips, but limited apology. I find myself lost and overwhelmed. I find myself lost and overwhelmed until you bring me back to fundamental theology. Until you bring me back to fundamental theology. Beautiful. Wow. Wow. Wonderful. Sache Pacha, how do I thank you? Your gifts of seva, simran, satsang, and beyond, always anew. You've shown me an amazing perspective. You have shown me an amazing perspective. It is eternal and only held by a few. It is eternal and only held by a few. Let the peace within begin with love. Let this peace within begin with love. Let it be my crown, always humble and up above. Let it be my crown, always humble and up above. Your unconditional love, powered by faith. Your unconditional love, powered by faith. Your blessings for all of us to become a beautiful dove. Your blessings for all of us to become a beautiful dove. ఓ నరుడా, జీవితకాలం చకచకా పోతున్నది మేలుకోలేవెందుకు? ప్రపంచ వ్యామోహంలో పడి నీ హృదయ సుఖం మరిచెదవు. సద్గురువిచ్చిన జ్ఞానము కదా జీవిత పరమార్థం, సజ్జన సంగతి కదా మన్ సుఖోన్కి మూలం. సద్గురువిచ్చిన జ్ఞానము కదా జీవిత పరమార్థం, సజ్జన సంగతి కదా మన్ సుఖోన్కి మూలం. నరుడా, జీవితకాలం చకచకా పోతూ ఉన్నది మేలుకోలేవెందుకు? ఊరేగుతూ విశ్వవ్యాప్తం చేయాలి నా గురు మహిమ. ఊరేగుతూ విశ్వవ్యాప్తం చేయాలి నా గురు మహిమ. చేయాలి ఈ సమయం సుకూన్మయం జగమంతా. చేయాలి ఈ సమయం సుకూన్మయం జగమంతా. నజర్ కే సామ్నే హై పర్ नजर के सामने है पर नजर में आ नहीं सकता. नजर के सामने है पर नजर में आ नहीं सकता. ये राजे हक बिना मुर्शद कोई दिखला नहीं सकता. ये राजे हक बिना मुर्शद कोई दिखला नहीं सकता. और शेर देखिएगा जी, ये रहबर वक्त का हमसे फकत किरदार मांगे है. ये रहबर
ये रहबर वक्त का हमसे फकत किरदार मांगे है जी। यू बातों से तो परचम ज्ञान का लहरा नहीं सकता, यू बातों से तो परचम ज्ञान का लहरा नहीं सकता। क्या बात। और बड़ा खास ख्याल हुआ है कि यकीनन मुब्तला होगा किसी वहमो भरम में वो, यकीनन 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 मुब्तला होगा किसी वहमो भरम में वो, वगरना ज्ञान लेकर कोई ठोकर खा नहीं सकता, वगरना ज्ञान लेकर कोई ठोकर खा नहीं सकता। और बहुत अच्छा ख्याल, बहुत बढ़िया। क्या बात। गिरा निभाने की कोशिश। जी जी। फंसे हिरसो हवस में जो नहीं ये जानते, फंसे हिरसो हवस में जो नहीं ये जानते, मुर्शद सुकूने दिल तेरे दीदार के बिना नहीं सकता, सुकूने दिल तेरे दीदार के बिना नहीं सकता। आजकल एआई की है चर्चा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो है मशीन की इंसानों से सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता। जब मैं एआई की खबरें सुन थोड़ा चौंका थोड़ा जागा, तो फौरन पड़ोस के एक बुजुर्ग ब्रह्मज्ञानी के घर भागा। मैंने जाकर उनसे किया तुरंत ये सवाल कि क्यों है एआई का इतना खतरा और बवाल। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे निहारा और निरंकार की ओर करते हुए इशारा बोले, पुत्र ऑन ए लाइटर नोट तो मेरे मन में बस यही उतरा है कि एआई यानी ए नंकार दे अगे आई यानी मैदा होना ही सब तो बड़ा खतरा है। मैदा होना ए दे अगे आई दा होना ही सब तो बड़ा खतरा है। क्या डेफिनेशन। दुनिया में बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ने का डर है, पर दरअसल मुझे रियल इंटेलिजेंस के घटने की फिक्र है। रिमेम्बर रावण इंटेलेक्चुअल था जी, पर एक इंटेलेक्चुअल के अंदर भी रावण हो सकता है। क्या बात। आज के युग में इंसान चैट जीपीटी और संत जीपीटी यानी गुरु पे ट्रस्ट करता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। संत जीपीटी यानी गुरु पे ट्रस्ट करता है। वाह वाह। अरे कोई भी गैजेट या इंटेलिजेंस एक भक्त के भक्ति को नापने में नाकामयाब है जी। और इंसान के मन में क्या चल रहा है ऐसा कंप्यूटर अभी तक तो ख्वाब है। जी। परमात्मा की बख्शी ह्यूमन इंटेलिजेंस का बस सही दिशा में हो सही इस्तेमाल और मानव तरक्की संग विवेक द्वारा मानवीय मूल्यों के कर सके संभाल। जी। इसी ह्यूमैनिटी के संदेश की खातिर सतगुरु और राजपिता जी ने दिन रात एक किया है और दुनिया में लाखों को ब्रह्म का ज्ञान देकर अनेक से एक होने का विवेक दिया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मोह माया में खोया मानव प्रभु में खोना भूल गया है। मोह माया में खोया मानव प्रभु में खोना भूल गया है, सुबह शाम चिक चिक करता है इकमिक होना भूल गया है। और गम के कंकर चुनते चुनते खुशी पिरोना भूल गया है, और सोना संग्रह करते करते चैन से सोना भूल गया है। क्या कहने, बहुत बढ़िया। प्रभु का होकर शुद्ध बुद्ध खोकर नयन भिगोना भूल गया है। प्रभु का होकर शुद्ध बुद्ध खोकर नयन भिगोना भूल गया है, आज का मानव बीज सुकू के मन में बोना भूल गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सोना। सुकू जो चाहो नदी की तरह शांत भाव से बहना होगा। नदी की तरह, सुकू जो चाहो नदी की तरह शांत भाव से बहना होगा, रब से मन की बात करो तो सबसे फिर ना कहना होगा।
अरे अंग संग नाथ जो साथ रखोगे फिर अनाथ ना रहना होगा। बहुत बढ़िया। अंग संग नाथ जो साथ रखोगे फिर अनाथ ना रहना होगा, और रू वो रोशन होगी जिसपे ज्ञान का सुंदर गहना होगा। प्रेम आनंद को पाया जिसने, प्रेम आनंद को पाया जिसने, रोना धोना भूल गया है। प्रेम आनंद को पाया जिसने, रोना धोना भूल गया है। आज का मानव बीज सुकून के मन में बोना भूल गया। इस समय सत्संगत हमारे बीच हम देख रहे हैं मोस्ट रिस्पेक्टेड रेवरेंट बंदारू दत्तात्रेय जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। एक बार जोरदार तालियों से सत्संगत हम स्वागत कर सकते हैं हमारे बीच आज इस मिशन का ही एक अंग बन करके। बहुत ही पुरातन समय से मिशन के साथ सत्संगत ये नाता जुड़ा है। बाबा गुरुबचन सिंह जी का समय भी था, तब भी इस तरह से आकर के सदगुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई, और आज भी आकर के सदगुरु सच्चे पातशाह का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सत्संगत इस समय दास निवेदन कर रहा है बहन पी भारती जी इस समय ये आ जाएं, और तेलुगु भाषा होगी। आंध्र प्रदेश से आई हुई ये बहन आकर के अपने शुभ विचार शुभ संदेश हम सभी के समक्ष रखेंगे, और इनके बाद एक गीत होगा, रचना होगी आदरणीय साहिब मनोत्रा जी और साथी, कवाली का रूप होगा। संगीत के जरिए वो सदगुरु सच्चे पातशाह का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी इन बहन को हम श्रवण करें। साध महाप्रसल्लारा, మరి ఎన్నో జన్మల సుకృతం చేత మనకి ఈ మానవ జన్మ లభించింది మహాత్మ. మానవుడు మాత్రమే మరి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నా కానీ సమస్థితిలో ఉంటూ ప్రశాంతంగా తన జీవితాన్ని జీవించటానికి అవకాశం ఉంది మహాత్మ. ఎలాగంటే హృదయ పవిత్రతతో జ్ఞాన దృష్టి కలిగి ప్రతీ క్షణము ప్రతీ విషయంలోని కూడా చైతన్యంతో వ్యవహరించటం ద్వారా తను అంతరంగిక ప్రశాంతతని పొందగలుగుతాడు సాధు మహాపురుషులారా. మరి మనకి కనుక సంకుచితత్వం కలిగి ఉంటే అదే మన బయట లోపల కూడా అశాంతికి కారణమవుతోంది మహాత్మ. మరి ఈ సంకుచితత్వం తొలగాలి అంటే కనుక మనం జ్ఞాన దృష్టి కలిగి వ్యవహరించాలి అంటున్నారు మహాత్మ. మరి ఈ జ్ఞాన దృష్టిని ప్రసాదించేవారు ఎవరు అంటే కనుక కేవలం సమయపు సద్గురువు ద్వారా మాత్రమే మనకి జ్ఞాన దృష్టి కలగటం జరుగుతుంది మహాత్మ. ఎప్పుడైతే సద్గురువు ద్వారా మనం జ్ఞాన దృష్టిని పొందగలుగుతామో అప్పుడు అందరి పట్ల అంతటా కూడా బ్రహ్మస్వరూపాన్ని మనం దర్శిస్తూ ఏ విధమైనటువంటి భేదభావాలు లేకుండా అభేద స్థితిలో మనం వ్యవహరించగలుగుతాం సాధు మహాపురుషులారా. Oh,
पल में बदल जा संगत इस समय दास बड़े अदब से नम्र निवेदन करेगा, गुजारिश करेगा कि मोस्ट रिस्पेक्टेड रेवरेंट श्री बंदारू दत्तात्रेय जी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, इस समय हमारे बीच आए और अपने जो दिल के उद्गार हैं, जो भाव हैं, जो इस समागम पर पहुंच करके वो सुकून महसूस कर रहे हैं, वो आकर के हम सभी के साथ साझा करेंगे। और पूज्य महात्मा सी एल गुलाटी जी, प्रेसिडेंट संत निरंकारी मंडल, ये सत्संगत आगे बढ़ करके हम सभी की ओर से, सारे ही निरंकारी मिशन की ओर से, परिवार की ओर से, हम सभी की ओर से स्वागत करेंगे। सभी मिलजुल करके एक बार जय घोष में शामिल हों। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गर्भचन अवतार की जय। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा श्री बंदारू दत्तात्रेय जी, इनको आइए मिलजुल करके हम इस समय श्रवण करें। 76वां वार्षिक निरंकारी संत सभागृह में हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी राजपिता रमित जी, आज मैं आप सबके बीच 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम में शामिल होकर बहुत ही गौरवान्वित हो रहा हूँ, बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। इसलिए यह बहुत बड़ा पावन कार्यक्रम आप लोग आयोजन किए। इस पावन कार्यक्रम को एक बहुत बड़ा, मुझे बहुत भी खुशी है। अभी मैंने सुना एक मेरे राज्य से, हैदराबाद से तेलुगु महिला जो बात कर रही थी, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। वो सारा सारांश में बताइए, अरे पूरे कोने कोने से आए हुए और समर्पित भाव से आप आए, कोई आपको पैसे देकर लाया नहीं गया, आप स्वयं अपना खर्च करके इतने बड़ी संख्या में आना, यही एक बहुत बड़ी सेवा है। आज समाज में जो नफरत है और स्वार्थ है, भेदभाव है, इसे आधार पर प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे बटे हुए,
ये सारे लोगों को ऐसे वातावरण को एकजुट में लाना, एक ही छाया क्षेत्र में लाना, मैं समझता हूँ केवल निरंकारी को ही हो सकता है। निरंकारी इतने बड़ी थी, तो इसलिए मैं आज इस इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजकों को और सारे लोगों को और निरंकारी समाज ने जो सेवाएं किए, यानी कोरोना समय में समझे या बाकी समय में समझे, निरंकारी समाज सेवा भावना से काम कर रहे हैं। इस सेवना भावना में आप जो रक्तदान का जो किए बहुत ही प्रशंसनीय है, 13 लाख यूनिट रक्तदान आप लोगों ने रक्तदान किया। और वैसे ही जो वृक्षारोपण है, वनों को पालने का काम है, ये भी जो है 400 शहरों में आप कर रहे हैं। और आप लोग, मुझे बहुत ही खुशी है, हरियाणा में भी 4 गांवों को आप लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। इसलिए मैं इतना ही नहीं, मुझे बहुत खुशी है, दिल्ली में अपने निरंकारी समाज की तरफ से 500 बिस्तर वाला बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल आप लोग चला रहे हैं। इसलिए निरंकारी मानव सेवा ही माधव सेवा समझ है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो इस सारी भावना के पीछे आपको जो साधना, जो मुक्ति जो दे रही है, मुझे बहुत खुशी है। हमारे माता जी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महिला है, एक महिला लाखों लोगों को प्रवचन देकर जिनको दिलों को परिवर्तन करने का जो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा कार्य है। और एक बार मैं हरियाणा जनता की तरफ से सारे संयोजकों को और आप सभी लोगों को बधाई देते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स एंड विशेस। वी आर ट्रूली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड टू हैव यू हियर सर। और आइए अब इस रूहानियत की लड़ियों को आगे बढ़ाते हैं। इस समागम का तीसरा रोज कवि दरबार, कवि श्रृंखला एंड बैक टू दी पोएटिक सिंपोजियम। तो जिस तरह दास निवेदन कर रहा था और कर चुका था, इस समय हमारे बीच जनाब राजेंद्र राजन जी ये आए और अपना कलाम पढ़ें। अंबर तो पार थके अंबर तो पार थके, तरती दे दूर अंदर। अंबर तो पार थके तरती दे दूर अंदर, नचदा है जर्रा जर्रा आज तांसरू। जर्रा जर्रा आज तांसरू अंदर अंदर। और एक शेर देखना, खुद मुखातिब शेर मुलाजत, मैं अपने आप लिख कह रहे हैं। चुक के रहेगा ता फिर जी, सब कुछ ही पालमेगा। चुक के रहेगा, चुक के रहेगा ता फिर सब कुछ ही पालमेगा। पाया किसे ने कुछ नहीं रह के गुरु, क्या बात है क्या बात है। पाया किसे ने कुछ नहीं रह के गुरु, क्या बात है राजन जी। वाह, परीक्षित बतौर खास गिरा जनाब निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाजा फरमाओ जी। एकम पात शादा कोई होर कर सके ना। एकम पात शादा साहब, शेर देखना साहब। एकम पात
होर कर सके ना दिंदा सुकून मनु पर दिंदा नूर अंदर पर दिंदा नूर अंदर चखा बादाम है चखा बादाम है छिलके से दिल बहला नहीं सकता चखा बादाम है छिलके से दिल बहला नहीं सकता सकूं जो बज्म तेरी में कहीं वो आ नहीं सकता सकूं जो बज्म तेरी में कहीं वो आ नहीं सकता जो भाई वाह बहुत अच्छा वाह शेर है जी जी कि तू कर कोशिश तू कर कोशिश हजारों पाक बेशक सब अमल कर ले तू कर कोशिश हजारों पाक बेशक सब अमल कर ले ना दर मुर्शद झुकाया सर खुदा को पा नहीं सकता ना दर मुर्शद झुकाया सर खुदा को पा नहीं सकता नूर जी नहीं ये इत्तेफाकन है यू तेरे दर चले आना क्या बात है क्या बात है हीर जी क्या बात है नहीं ये इत्तेफाकन है यूं दर तेरे चले आना तेरी मर्जी बिना इस दर पे आया जा नहीं सकता भाई वाह वाह मेरी मर्जी बिना इस दर पे आया जा नहीं सकता क्या बात है वाह वाह बहुत बहुत ख्याल है जियो जियो मुरी जी क्या बात हां जी पासी जी इरशाद जरूरी है नबी पर पुख्ता हो इमाम मेरा वरना जरूरी है नबी पर पुख्ता हो जरूरी है नबी पर पुख्ता हो इमाम मेरा वरना वरना खुदा को देख कर भी ये समझ में आ नहीं सकता क्या बात है क्या बात है भाई वाह वाह जरूरी है जरूरी रफीक की जरूरी है नबी पर पुख्ता हो इमाम मेरा वरना खुदा को देख कर भी ये समझ में आ नहीं सकता खुदा को देख कर भी हां जी 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 अदब दिल के लुभाने को है दुनिया का तमाशा पर 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 अदब दिल के लुभाने को है दुनिया का तमाशा पर सकूने दिल तेरे दीदार के बिन आ नहीं सकता सुकून है क्या खुद को कैसे समझाऊं शब्द अधूरे हैं भाव कैसे रख पाऊं क्या बात है भाई सुकून है क्या खुद को कैसे समझाऊं शब्द अधूरे हैं भाव कैसे रख पाऊं यह है एक समंदर शर्त है डूबना होगा यह है समंदर शर्त है डूबना होगा जी मैं बिन मेरे उतरूं तभी अंतर भिगो पाऊं मैं बिन मेरे उतरूं तभी अंतर भिगो पाऊं सुकून है क्या मैं खुद को कैसे समझाऊं तेरे बोलों में है सुकून तेरे बोलों में है सुकून बेशक तर भी सकता हूँ बेशक तेरे बोलों में है सुकून बेशक तर भी सकता हूँ चाहा जो करम मुझसे शायद कर भी सकता बहुत बढ़िया ये मेरा मैं होना ही मुझे नाकाम कर रहा ये मेरा मैं होना ही मुझे नाकाम कर रहा दे सुकून की आहट मैं शायद मर भी सकता हूँ दे सुकून की आहट मैं शायद मर भी सकता हूँ बहुत सोना है उम्मीद के इस बार हंसते हंसते ही जाऊं है उम्मीद के इस बार हंसते हंसते ही जाऊं सुकून है क्या
खुद को कैसे समझाऊं? कैसे? तेरा दीदार है सुकून, तेरा दीदार है सुकून जो सुर्ख रूह करता है, तेरा तारूफ हर एक चेहरा हू बहू करता है, तेरा तारूफ हर एक चेहरा हू बहू करता है, ये इबादत है या जुनून, मैं हैरान हूँ बहुत, ये इबादत है या जुनून, मैं हैरान हूँ बहुत, अब हर मंजर मुझे तुझसे रूबरू करता है, अब हर मंजर मुझे तुझसे रूबरू करता है, हर लम्हा ये नजारा कहीं ओझल ना कर जाऊं, हर लम्हा ये नजारा कहीं ओझल ना कर जाऊं, सुकून है क्या खुद को कैसे समझाऊं? कैसे ये मंजिल माँ सिवा रहबर कोई दिखला नहीं सकता, ये मंजिल माँ सिवा रहबर कोई दिखला नहीं सकता, इशारे के बिना अल्लाह को देखा जा नहीं सकता, इशारे के बिना अल्लाह को देखा जा नहीं सकता, क्या बात है, इशारे के बिना करे सजदे भले लाखों मगर फरमान ठुकरा दे, करे सजदे भले लाखों मगर फरमान ठुकरा दे, हकीकत में तो वो गुरसिक कभी कहला नहीं सकता, हकीकत में तो वो गुरसिक कभी कहला नहीं सकता। एक खास ख्याल देखिएगा, ये पद पदवी ये रुतबे सब है बस खैरात मुर्शद की, ये पद पदवी ये रुतबे सब है बस खैरात मुर्शद की, समझ कर खुद को काबिल दिल को मैं बहला नहीं सकता, समझ कर खुद को काबिल दिल को मैं बहला नहीं सकता, क्या बात है बेटा, बहुत कमाल। खुदा से रू बरू होकर भी भटकन जाएगी कैसे, खुदा से रू बरू होकर भी भटकन जाएगी कैसे, गुमाने अक्ल में डूबा हकीकत पा नहीं सकता, गुमाने अक्ल में डूबा हकीकत पा नहीं सकता, गुमाने अक्ल का जवाब नहीं, गिरह का शेर है जी, जमाने में भटक कर दर बदर जाना है मैंने अब, जी, जी, जमाने में भटक कर दर बदर जाना है मैंने अब, सुकूने दिल तेरे दीदार के बिन आ नहीं सकता, सुकूने दिल तेरे दीदार के बिन आ नहीं सकता, सुकून को आधार केवल निरंकार, सुकून को आधार, सुकून को आधार केवल निरंकार, बाकी कुनै आधार छैनन् भौतिक सम्पत्ति वा पुत्र परिवार, खाता हुन दातार होइनन्, साथी सम्बन्धी साथ छोड्दछन् ती सुकुनका किरदार होइनन्, साथी सम्बन्धी साथ छोड्दछन् ती सुकुनका किरदार होइनन्, सद्गुरु नै हुन् जग्गा जमिनदार, अरू कुनै हकदार होइनन्, त्यसैले दुनिया वालो, त्यसैले दुनिया वालो दिलमा सुकुन ल्याउनु छ त मेरो सद्गुरुको शरणमा आऊ, सेवा सत्सङ्ग सुमरण अपनाऊ, प्रेमा भावले जीवन सजाऊ, समदृष्टि समानता मनवा बसाई, मनोरभावले सबलाई हँसाऊ, निरंकार सँग नाता जोडेर मनको सुकुनमय जीवन बिताऊ, सुकुन भरा जीवन बिताऊ, सद्गुरु तिम्रो दिव्य दर्शनले आज मनमा सुकुनका बहार छन्, सद्गुरु तिम्रो दिव्य दर्शनले आज दिलमा सुकुनका बहार छन्, निरंकारी सन्त समागम महरपल सर्वधर्म समभावका श्रृंगार छन्, सद्गुरु जस्तो यो दुनियामा न संगी या कोही आकार छन्, सद्गुरु जस्तो यो दुनियामा न संगी या कोही आकार छन्, गुरु हरिमा अन्तर हुँदैन कुनै मूल साकार निरंकार छन्, सद्गुरुमा
सदगुरु माँ तिम्रो मुस्कान युगों युग रहनुमा मिली रहोस मस्त सुकून इलाही महाराजन मेरो मुर्शद खिली रहोस हे सदगुरु का प्यारा ज्ञान कर्म माले सारा सुकून भरा जीवन मार माऊ निरंकार संगनाता जोड़े रमन को सुकून मय जीवन बिताऊ निरंकार से नाता जोड़ के मन का सुकून भरा जीवन बिताऊ। दुनिया भर की बाजा दौड़ी दुनिया भर की बाजा दौड़ी सुकून खातर होरी से इस दातार ने छोड़ के दुनिया सुकून माया में टोरी से उलझ के ने माया के फेर में उलझ के ने माया के फेर में या जीव आत्मा रोरी से बना दे ईरा पत्थर ने मेरा सतगुरु वो जोरी से मेरा सतगुरु वो जोरी से सुकून का सागर मुर्शद मेरा सुकून का सागर मुर्शद मेरा देखो इस दर आके ने सुकून मिला से मेरे दिल ने मन का मान मिटा के जो सतगुरु की बात मान ले वो आनंद में हो जासे जो सतगुरु की बात मान ले वो आनंद में हो जासे जिक्र हरी का करे चौकर दे इसके रंग में खो जा जासे और नाम खुमारी चढ़ जा जिस पे नाम खुमारी चढ़ जा जिस पे वो फिर इसका हो जा से सेवा सिमरन सत्संग करके सारे कष्टा ने दो जा से सारे कष्टा ने दो जा से शुभम सुकून मिले मानस ने शुभम सुकून मिले मानस ने इस एक ने पाके ने सुकून मिला से मेरे दिल ने मन का मान मिटा के ने सुकून मिला से मेरे दिल ने मन का मान मिटा के ने मी नावाचं सुंदर कठिन काटेरी वाटे नंतर तू तुची सुंदर पायवाट लागली आणि तिथेच एका पारावर मला शबरी माता भेटली आणि तिथेच एका पारावर मला शबरी माता भेटली मी म्हटलं माते तू मला ओळखत नाहीस पण मला तू माहित आहे मी म्हटलं माते तू मला ओळखत नाहीस पण मला तू माहित आहेस शांती अंतर मनाची हा पत्ता तेवढा सांगतेस का मी थोडी घाईत आहे शांती अंतर मनाची हा पत्ता तेवढा सांगतेस का मी थोडी घाईत आहे शबरी मातेने तिच्या हातातील झाडू दिला माझ्या हाती आणि म्हणाली हे घे हीच आहे शांती अंतर मनाची शबरी मातेने तिच्या हातातील झाडू दिला माझ्या हाती आणि म्हणाली हे घे हीच आहे शांती अंतर मनाची मी म्हटलं हा झाडू झाडायचं घर झाडून टाकलेली माणसं हे सगळं मला माहीत आहे पण माझ्या झाडण्यात क्लेश आणि तुझ्या झाडण्यात शांती का सामावित आहे पण माझ्या झाडण्यात क्लेश आणि तुझ्या झाडण्यात शांती का सामावित आहे निर्मळ हसून शबरी म्हणाली निर्मळ हसून शबरी म्हणाली मी निरक्षर अडाणी आदिवासी आहे पण आदी काळापासून सामावलेल्या रामाची मी सर्व साक्षी आहे पण आदी काळापासून सामावलेल्या रामाची मी सर्व साक्षी आहे शबरी राम राम म्हणत परत वाट लागली झाडू आणि शब्दांशिवाय शबरी आता खूप लागली अंतर मन विच मैदा होना संतो बुरी बीमारी है ते अंतर मन विच रब दा वासा समझो ओय अनंकारी है क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या अंतर मन विच मैदा होना संतो बुरी बीमारी है ते अंतर मन विच रब दा वासा ओय अनंकारी है ते जिस मालिक ने सब कुछ दिता है जिस मालिक ने सब कुछ दिता है हुन जानन दी वारी है जे जान लिया ते मौज बहारा चढ़दी मौत चढ़दी नाम खुमारी है जिस मालिक ने सब कुछ दिता है हुन जानन दी वारी है जान लिया ते मौज बहारा चढ़दी नाम खुमारी है ऐसे गुर तो बलबल जाइए
चरना तो बलिहारी ऐसे गुर तो बल बल जाइए चरना तो बलिहारी है सुकून दी रब्बी दात बख्श के साड़ी जून सवारी है सुकून दी रब्बी दात बख्श के सानू साड़ी जून सवारी है हरदेव गुरु दी जीवन गाथा सुकून दी ओ मिसाल है खुश हरदेव गुरु दी जीवन गाथा सुकून दी ओ मिसाल है खुश पनीर मिले ते खुशियां केले दाल मिले ते तामी खुश क्या बात है क्या बात है हरदेव गुरु दी जीवन गाथा सुकून दी ओ मिसाल है खुश पनीर मिले ते खुशियां खेड़े दाल मिले ते तामी खुश जिस रंग रंगे उस रंग रह के ये संतां दी चाल है खुश जिस रंग रखे उस रंग रह के ये संतां दी चाल है खुश कोई वाल नहीं विंगा कर सकता जे सतगुर दीन दयाल है जिस रंग रंगे उस रंग रहना ये संतां दी चाल है खुश कोई वाल नहीं विंगा कर सकता जे सतगुर दीन दयाल है खुश हसते हसते तुहाडी कृपा हसते हसते तुहाडी कृपा सोहनी उम्र गुजारी है बहुत वधिया हसते हसते तुहाडी कृपा सोहनी उम्र गुजारी है ते सुकून दी रब्बी दात बख्श के साड़ी जून सवारी सुकून दी रब्बी दात बख्श के साड़ी जून सवारी जहां मैं इस हकीकत को इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता जहां मैं इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता कोई झुठला नहीं सकता खुदा जिस फूल का हाफिज हो वो मुरझा नहीं सकता क्या बात है क्या बात है क्या बात है खुदा जिस फूल का हाफिज हो वो मुरझा नहीं सकता यकीनन शेर बतौर खास यकीनन रहमते मुर्शद से नावाकिफ हैं वो कुछ लोग यकीनन रहमते मुर्शद से नावाकिफ हैं वो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह को देखा जा नहीं सकता क्या बात है क्या बात है सही बात है बहुत सुना बहुत कमाल कमाल खुदा सागर है जिसमें डूबते हैं बेखुदी वाले क्या बात है बेखुदी वाले बेखुदी वाले क्या बात है क्या बात है दमदार बहुत अच्छा खुदा सागर है जिसमें डूबते हैं बेखुदी वाले अना का लेके पत्थर इसमें डूबा जा नहीं सकता खुदा सागर है जिसमें डूबते हैं बेखुदी वाले अना का लेके पत्थर इसमें डूबा जा नहीं सकता गिरा कोशिश करिए खुशी दो पल की दे देंगे दो पल की दे देंगे मुझे ये साजो सामा पर खुशी दो पल की दे देंगे मुझे ये साजो सामा पर सुकूने दिल तेरे दीदार के बिना नहीं सकता क्या बात है सुकूने दिल बहुत तेरे दीदार तेरे दीदार के बिन आ नहीं सकता बहुत बढ़िया उस्ताद शोराओं की सामईन की तवज्जो से खास ख्याल जनाब कोई जो पा गया मंजिल कोई जो पा गया नबी का रहम है वरना कोई जो पा गया मंजिल नबी का ये इनका रहम है वरना इशारा पाके भी आदम खुदा को पा नहीं सकता क्या बात है इशारा पाके बहुत खूब मक्ता देखिएगा जी अच्छा तेरे बंदे जो रहते हैं
तेरे तेरे एहसास में मुर्शद। भाई वाह भाई वाह, क्या बातें हैं। तेरे बंदे, तेरे बंदे ये रहते हैं तेरे एहसास में मुर्शद, कोई भी रंग माया का इन्हें भरमा नहीं सकता। भाई वाह क्या बात है, तेरे बंदे ये रहते हैं तेरे एहसास में मुर्शद, कोई भी रंग माया का इन्हें भरमा नहीं सकता। ए दे अंदर वसदा कण कण, ए दे अंदर वसदा कण कण, कण कण विच समाया ए जीनू मिलिया कामल मुर्शद, जीनू मिलिया कामल मुर्शद, समझ उस दे आया ए ए। भाई वाह क्या बात है, क्या बात है। गुरदी रहमत, गुरदी रहमत होई जिसते, गुरदी रहमत होई जिसते, ओदे सामे आया ए ए ए। क्या बात है, कहने यार क्या कहने, बहुत बढ़िया। एदी कृपा, एदी बख्शीश जी, एदी कृपा एदी बख्शीश, एदी बख्शीश इन्हें चोली पाया ए ए। लोकी विच आसमान दे लभदे, लोकी विच आसमान दे लभदे, इस तलियां विच विखाया ए। क्या बात है, क्या बात है। असल सुकून मिलिया ओनू, असल सुकून मिलिया ओनू, जीने पल पल ते आया ए। और बंदा है जी जी, के जग विच वसदे हर बंदे नू, जग विच वसदे हर बंदे नू सुकून दी तलाश है। सुकून की तलाश है भाई, कुछ पलां ली खुश है बंदा, पर अगले पल उदास है। कुछ पलां ली खुश है बंदा, पर अगले पल उदास है, मंजिल अपनी भुली बैठा, मंजिल अपनी भुली बैठा, आम नू समझे खास है, असल ते मन टिकिया रहे तेरे चरणा विच अरदास है। असल ते टिकिया रहे ए मन तेरे चरणा विच अरदास है, ज्यों दुध दे विच क्यों है छुपिया, ज्यों दुध दे विच क्यों है छुपिया, जग विच आप समाया ए, 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 असल सुकून है मिलिया ओनू, क्या बात है, जिने पल पल ते आया ए, ए। धड़कनों से सजदा लिखते हैं, रूह से सलाम लिखते हैं, चल कलम आज कोई ऐसा कलाम लिखते हैं, जिंदगी इनके नाम लिखते हैं, जान इनकी मुरीद लिखते हैं, जिससे दिलों से मिटे बेचैनी, सुकून पाए दुनिया का हर आदमी, इनका मकसद इनका पैगाम लिखते हैं, चल कलम आज कोई ऐसा कलाम लिखते हैं। तो ऐसा ही कलाम आज लिख रही है कलम और इनके चरणों में चढ़ा रही है, जैसे निवेदन किया जा चुका है। उस्ताद कवि आदरणीय भाषी मुल्तानी जी अपना कलाम प्रस्तुत कर रहे हैं और इनके बाद आदरणीय महात्मा रोशन दहलवी जी अपना कलाम पेश करेंगे। सुकून जरूरी है, अच्छा जरूरी, कि मिर्चा बेशक ना होवन सब्जी विच लून जरूरी है। मिर्चा बेशक ना होवन सब्जी विच लून जरूरी है, बंदे को जिंदा रखने वास्ते बंदे विच खून जरूरी है। बहुत सुंदर। माया दा जनून जरूरी नहीं, सेवा दा जनून जरूरी है। माया दा जनून जरूरी नहीं, सेवा दा जनून जरूरी है, ए धरती हरी भरी रावे मानसून जरूरी है।
माया का जनून जरूरी नहीं, सेवा का जनून जरूरी है। ये धरती हरी भरी रावे, मानसून जरूरी है। सतगुरु को मिलन दे वास्ते एक बंदे दी जून जरूरी है। क्या बात है, सतगुरु को मिलन दे वास्ते एक बंदे दी जून जरूरी है। प्रेमा भक्ति वास्ते अंतर मन दा सुकून जरूरी है। प्रेमा भक्ति वास्ते अंतर मन दा सुकून जरूरी है। ये ख्याल है जी जी, स्वभाव ही जिंदा कौड़ा है ओ मिठी गाल करेसी क्या, स्वभाव ही जिंदा कौड़ा है ओ मिठी गाल करेसी क्या, जो आप ते भूखा मरदा पे ओ कहिंदा ढेड भरेसी क्या, स्वभाव ही जिंदा कौड़ा है ओ मिठी गाल करेसी क्या, जो आप ते भूखा मरदा पे तुझे दा ढेड भरेसी क्या, जिंदे अंदर धुकड़ धुकड़ रांदी ओ सुकून कहीं को देसी क्या, क्या बात धुकड़ जिंदे अंदर क्या बात, भाई वाह, क्या बात, जिंदे अंदर धुकड़ धुकड़ रांदी ओ सुकून कहीं को देसी क्या, ते जो मुंह लटका के बैठा है ओ दूजे को खिलवेसी क्या, क्या बात है, क्या बात है वासी जी, वाह वाह, जो मुंह लटका के बैठा है ओ दूजे को खिलवेसी क्या, सतगुरु को समझण वास्ते भाषी गुरमत दा मजबून जरूरी है। सतगुरु को समझण वास्ते भाषी गुरमत दा मजबून जरूरी है। अंदर बाहर दी शांति वास्ते अंदर दा सुकून जरूरी है। गजल का मतलब है कि तेरी दुनिया है क्या, ये भेद कोई पा नहीं सकता। तेरी दुनिया है क्या, तेरी दुनिया है क्या, ये भेद कोई पा नहीं सकता। ये क्यों है, क्या है, कैसे है, कोई बतला नहीं सकता। यहाँ जो जीने आते हैं वो सब क्यों मर के जाते है। यहाँ जो जीने आते हैं वो सब क्यों मर के जाते हैं, ये अनसुलझी पहेली को कोई सुलझा नहीं सकता। यहाँ जो जीने आते हैं वो सब क्यों मर के जाते हैं, इस अनसुलझी पहेली को कोई सुलझा नहीं सकता। और देखें कि कोई ना समझ आ जाए तो शायद समझ आ जाए। ख्याल है कि कोई ना समझ, क्या बात है, कोई ना समझ आ जाए तो शायद समझ आ जाए। अकल से ज्ञान ये तेरा समझ में आ नहीं सकता। क्या बात है। और एक शेर के, अगरचे खुद ना बेच आए कोई जाकर जमीर अपना, ख्याल है, अगरचे खुद ना बेच आए कोई जाकर जमीर अपना, तेरे बंदे को दुनिया में कोई बहला नहीं सकता। क्या बात है भाई, वाह वाह। और खुदा की कसम खाएं, क्या खुदा देखा नहीं हमने, खुदा की कसम खाएं, क्या खुदा देखा नहीं हमने, ये वो सच है जिसे कोई बशर झुठला नहीं सकता। ये वो सच है जिसे कोई बशर झुठला नहीं सकता। सत्संग दास से एक प्रार्थना करना चाहेगा। आप जी जानते हैं कि हर बरस सतगुरु की रहमत से ये जो समागम पे इस तरह के बड़े कवि दरबार होते हैं, उसमें बरसों से अनेक ऐसे कवि महात्मा अपने अपने भाव व्यक्त करते आ रहे हैं। इसी बरस हमारे महान कवि महात्मा आदरणीय सुलेख साथी जी, जो बरसों से अपने कलाम पढ़ा करते थे, कई बार मंच संचालन की सेवाएं और भी अन्य सेवाओं में हम उन्हें देखते आए हैं, लेकिन रंकार की ऐसी रचना कि इस बरस वो इस नश्वर शरीर की यात्रा पूर्ण करके रंकार में अभेद हो गए, तो उस महात्मा की हाजिरी हम इस कवि दरबार में इस तरह लगानी चाह रहे हैं कि उन्हीं की नूरे चश्मी, उनकी बेटी
क्वीन जी इस समय उनकी आखिरी कुछ लाइनें जो वो महात्मा लिख गए लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो ये बिटिया आज उनकी हाजिरी यहाँ लगवा रही है। जिनकी हाजिरी के लिए हुक्म हुआ है उनकी हाजिरी तो आप सबके दिल में पहले से ही है और हमेशा रहेगी। आमीन। कुछ लाइनें हैं, सोच रहा हाँ, सोच रहा हाँ ओ पल किन्ना खास होएगा, सोच रहा हाँ ओ पल किन्ना खास होएगा, जिसम च मेरे जदों आखरी स्वास होएगा, सोच रहा हाँ ओ पल किन्ना खास होएगा, जिसम च मेरे जदों आखरी स्वास होएगा, ते अगले ही पल मूल च अपने मिल जाना है, अगले ही पल मूल च अपने मिल जाना है, रूह मेरी नू उस पल तरवास होएगा, रूह मेरी नू उस पल तरवास होएगा। तो ख्याल है कि इस दुनिया दा सब कुछ इस दुनिया विच रह जाना है, इस दुनिया दा सब कुछ इस दुनिया विच रह जाना है, मेरा सब कुछ उस पल मेरे पास होएगा, मेरा सब कुछ इस दुनिया दा सब कुछ इस दुनिया विच रह जाना है, मेरा सब कुछ उस पल मेरे पास होएगा, और ए सारा कुछ ता ही मुमकिन होना है साथी, ए सारा कुछ ता ही मुमकिन होना है साथी, उस पल भी जे रब दा ही एहसास होए, ए सारा कुछ ता ही मुमकिन होना है साथी, उस पल भी जे रब दा ही एहसास होए। पुरसकून है रब दा जलवा, पुरसकून सतगुरु दिया बाता, जद तू इस दी दीद होई है उस दिन तूने वा बरसाता। क्या बात है, क्या बात है। हुण बेचैन नहीं मन रहंदा, जद तू चरना दे विच लगे है, पुर सुकून हुण सोच होई है, बेचैनी दिया मुकिया राता। बाबा बहुत अच्छी। तो इसके सिफत है जी, पर देंदा है फैलाउन तो पहला, झोलिया खाली रहन नहीं दिंदा। खाली रहन नहीं दिंदा, कोई शक नहीं पुरसकून ने इस दिया दितियां सारिया दारिया, कोई शक नहीं पुरसकून ने इस दिया दितियां सारिया। तो एक और शेर, रब खुश है सतगुरु भी हसदे, ए रूहां दा मेला तक के, चैन अमन ते प्रीत प्यार दिया सबनू मिलिया ने सौगात, चैन अमन ते प्रीत प्यार दिया सबनू मिलिया ने सौगात। क्या बात, बहुत खूब। इस धरती तो थल्ले धरती लख आकाश ने ऊपर सुने, पुरसकून है एहो धरती बाकी सुनिया सब कायनात, पुरसकून है एहो धरती बाकी सुनिया सब कायनात। सारी उम्र हनेरा टोया, ओ च
चंद्रा पर मुके आई नहीं सी पारस मेहरबान गुरु मिलया पुर सुकून होया पर पारस मेहरबान गुरु मिलया पुर सुकून होया पर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। इस समय हम देख रहे हैं बाल संगत की नुमाइंदगी करते हुए मंडी गोविंदगढ़ की बाल संगत अवतार वाणी का शब्द होगा और इनके बाद दास नम्र निवेदन करेगा, अदब से आमंत्रित करेगा आदरणीय बहन राज वासदेव जी, वाइस प्रेसिडेंट संत निरंकारी मंडल। खिले खिले चेहरे संतान दे जिस वल भी मैं तकना सत्संग चारों तरफ ये संतों महापुरुषों की चेहरे की मुस्काने इनके जुड़े हुए हाथ झुके हुए सर नैनों में इस नंकार का तेज ये प्रगट करता है कि ये कलयुग में सतयुगी जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में सतगुरु है जिसने सत्संगत इस सते से इस परम तत्व से मिला के जीवन में एक ठहराव ले आए। ये ठहराव ये अंतिम मन का सुकून कोई सबर नहीं है, सबर और सुकून में बहुत अंतर है। हम देखते हैं कि कोई कभी कभी शिष्टाचार को निभाने के लिए किसी बुजुर्ग की बात को हम सहन कर जाते हैं सब्र से खामोशी से,
किसी अधिकारी की डांट को सबर करके सह लेते हैं, किसी के डर से भय से हम सबर कर लेते हैं, स्वार्थ होता है कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं और नुकसान ना ये पहुंचा दे, क्योंकि वो हमसे ताकतवर है। वो साथ संगत इससे भी आगे, एक मन की अवस्था है जिसको पार करके एक सुकून की अवस्था सतगुरु प्रदान करते हैं। और साथ संगत गुरसिख को विश्वास है कि मेरा सतगुरु क्षमाशील है, मेहरबान है, रहमतों का भंडार है, ये मेरे अवगुण ढकता है, मेरे गुण अवगुण कुछ विचारता नहीं है। इसलिए सत्संगत भूले करके भी कई बार जब एहसास होता है सतगुरु का ध्यान करके, वो सुकून हृदय में कायम हो जाता है। सत्संगत ये सुकून उस गहराई तक हमें ले जाता है, आने के बाद मिलता है, जो सत्संग सागर की है। पढ़ा है कहीं पर कि सागर 7 किलोमीटर गहरा होता है धरती से, 7-8 किलोमीटर। ऊपरली सतह पर हम देखते हैं तो बहुत बहुत शिप्स चल रही होती हैं, बहुत ऊंची लहरें उठ रही होती हैं, मगरमच्छ और कहीं जीव जो होते हैं पानी के, वो सारे उसमें तैर रहे होते हैं। परंतु जब उस सागर की गहराई में जाया जाता है तो हीरे मोती जवाहरात भी वहीं पर होते हैं, पर हर तैराक, हर इंसान सागर की गहराई में उतर नहीं सकता, क्योंकि कोई गोते मारी वहाँ पर जा सकता है। इसीलिए सत्संगत कहने को तो हर कोई कह रहा है कि ये निराकार, इसके आराधना के बिना, इसकी पूजा के बिना, इसको जीवन में लाने के बिना हमारे जीवन में ठहराव नहीं आ सकता। पर वो गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है, वो चुनने की अवस्था सतगुरु देता है, ये युक्ति समझाता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्ने और पै नहीं जाके, कंचन माटी माने, गुरमुख दिया नजरां अंदर सोना मिट्टी एक समान, गुरमुख दे ले इको जेने हरक सोख ते मान अपमान। ये बहुत मुश्किल है, परंतु जब सतगुरु सिर पर हाथ रखता है तो ये संभव है, बहुत आसान है। और इधर जैसे निवेदन किया जा चुका है, बहन सिमरन चौधरी जी महफिले रूहानियत के गीत द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं, और इनके बाद निवेदन करूंगी। आदरणीय महात्मा जोगिंदर सुखीजा जी, सेक्रेटरी संत निरंकारी मंडल, कोऑर्डिनेटर समागम कमेटी, ये भी सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तेरे चरण मंदिर चे जीवन गुजारा, तेरे चरण मंदिर चे जीवन गुजारा, तेरे नाल साहेबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे चरण मंदिर च जीवन गुजारा, तेरे नाल साहेबा मौज बहारा, तेरे चरण मंदिर च
वार्षिक निंकारी संत समागम का ये अंतिम दौर सत्संगत जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं और दास सत्संगत दो ही भाव लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ है। पहला सत्संगत आपसे क्षमा मांगने का भाव है कि आप सत्संगत दूर दूर से चलकर आए, आपका यथा योग सत्संगत समान नहीं हो पाया। इंतजाम तो किए गए लेकिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा रही, आने वाले महात्माओं ने सत्संगत पिछले सभी रिकॉर्ड सत्संगत फेल कर दिए और आगे सत्संगत बढ़ चढ़ कर महात्मा पहुँचे। तो सत्संगत आपके रहने में, आपके उठने बैठने में जो भी कमियां रही उन सभी के लिए दास सत्संगत आप सभी से क्षमा मांगता है कि उन कमियों को आपने बिल्कुल सत्संगत ध्यान नहीं दिया। सत्संगत आपके जीवन में सतगुरु का ज्ञान आया, आपका हर पल सत्संगत सुकून वाला है। सुविधाएं कम हैं, सुविधाएं अधिक हैं, इनसे कोई अंतर नहीं पड़ा और ऐसा सत्संगत प्रभाव छोड़ा कि जो भी मिल रहा है सत्संगत पिछले 2-3 घंटे से वो यही कह रहा है कि बहुत आनंद आया, बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। सत्संगत उसके लिए दास सत्संगत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निंकारी राजपिता जी का ऋणी है, इनका लाख लाख धन्यवाद। और सत्संगत प्रशासन का हमें भरपूर सहयोग मिला, साथ ही सत्संगत हरियाणा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बिजली डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, अनेकों अनेकों डिपार्टमेंट्स, दास किस किस का नाम ले सत्संगत, कोई ना कोई नाम छूट जाएगा, सभी ने भरपूर सहयोग दिया। और सत्संगत अब तो ऐसा लगने लगा है कि वो सत्संगत हमारे ही परिवार का अंग है। तो दास सत्संगत अधिक समय नहीं लेगा, सभी का महात्माओं का धन्यवाद, सेवा दल का, खासकर सत्संगत। जून के बाद से ही लगातार टीम्स के रूप में सत्संगत बड़ी संख्या में दूर दूर से चलकर आए, देश के विभिन्न हिस्सों से। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कृपा की, टीम्स का गठन किया, हर टीम का मेंबर सत्संगत दिन रात सिर्फ समागम के बारे में सत्संगत प्लानिंग करता रहा, एग्जीक्यूशन करता रहा। हर उस महात्मा के लिए सत्संगत हृदय से नमन कि उन्होंने सत्संगत दिन रात मौसम की परवाह किए बगैर अपनी सेवाएं अर्पित की
हमारे सेवा दल के भाई बहन साथ संगत अभी भी लगातार उन सेवाओं को निभा रहे हैं। उनके लिए साथ संगत यही प्रार्थना कि सतगुरु माता जी कृपा करें कि गुरु खुश होता है तो और सेवा देता है, सभी को और सेवाएं साथ संगत बख्शे, ताकि सभी महात्मा साथ संगत इन सेवाओं को अर्पित करते रहें और सुकून की जिंदगी जीते रहें। सत्संगत 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के ये जो 3 रोज होते हैं, 3 दिन होते हैं, हम बिल्कुल उसकी अब अंतिम पड़ाव की ओर ही हैं। और जिस तरह दास ने निवेदन किया था, हमारे होली सिस्टर्स आदरणीय बहन समता जी, बहन रेणुका जी और साथ में बहन संप्रीति जी भी आकर के इस समय रचना रखते हुए सतगुरु माता जी का पावन पवित्र आशीर्वाद प्राप्त करें। और फिर सात संगत इनके बाद आज के इस कार्यक्रम की विचारों से पूर्व संभवतः अंतिम रचना होगी। खरड़ पंजाब से आदरणीय महात्मा रणबीर धालीवाल जी एक अरदास लेकर के, जो कि महफिल रूहानियत का ही अंग है, हमारे बीच होंगे और हम उनको श्रवण कर पाएंगे। अभी आदरणीय होली सिस्टर्स इस समय आशीर्वाद प्राप्त करें। सुख के सागर Thank you.
मर जाए जो दर तेरे सफल हो जिंदगानी गुजर जाए जो दर तेरे सफल हो सफल
घटवासी हे प्रभु अविनाशी करता दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज तीसरे दिन 76 रंगकारी संत समागम के जहाँ पिछले इतने दिनों से आप सब मैदानों में आए भी हुए हैं, अपनी सेवाएं भी अर्पित कर रहे हैं और किस रूप में एक वो एक दूसरे को पहल वाला भाव, क्योंकि जहाँ पे भी नज़र जा रही है वो चाहे रिहाइश के टेंट हों या कैंटीन्स हों या अन्य सारे वो पॉइंट्स जहाँ पे एक सब एक शब्द रूप गैदरिंग ज़्यादा भी हो जाती है, पर संत जहाँ हैं वहाँ तो फिर वो गैदरिंग नहीं, वो तो फिर एक आनंद ही है और वो भीड़ नहीं, वो एक ही हैं। तो कैसे अपने घरों से भी चल के अपनी जिम्मेवारियाँ हर एक के घर परिवार की, फिर भी ये समागम का समय निकालना सेवा के लिए उपस्थित रहना और घर वाले भी जो रह गए नहीं आ पाए उनका भी वो भाव कि घर के अन्य सदस्य कर लें, हम घर रह के कोई जिम्मेवारियाँ निभा लेंगे,
तो कैसे हर एक के भाव, चाहे वो कहाँ कहाँ भी सेवा रूप किस तरह हो, हर एक ने जो योगदान दिया ये समागम को सफल करने के लिए, एक भाव जहाँ हर एक का कि पूरा संसार इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े, इस मिशन से जुड़े, एक अपने जीवन में सुकून, स्थिरता, सहजता, एक ठहराव का वो जीवन, एक समर्पित भाव का सुकून, एक अपने मन से प्रीत प्यार का सुकून, एक शुक्राने भाव का सुकून, तो एक वो भाव हर एक का कि कैसे एक लव एंड एक्सेप्टेंस के साथ भी ये सुकून का ही भाव होता है, हर एक पूरे संसार में जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं अभी भी नज़र जा रही है, तो एक फिज़िकल अपीयरेंसेस की बात करें तो हर कोई भिन्न भिन्न तरह के दिख रहे हैं, एक बैकग्राउंड, एक कल्चर, एक सब इतना अलग, फिर भी एक खूबसूरती हर एक की, हर एक में वही नूर इस निराकार का, तो वो एक डाइवर्सिटी होने के बावजूद, ये वर्सटाइल इतनी सारी कल्चर्स होने के बावजूद एक ही सब क्यों हैं, बात वही सभी इस निराकार से जुड़े हैं, इसी की रचना है ये आत्मा और परमात्मा का रिश्ता, तो कैसे जहाँ स्वीकृति है ये एक्सेप्टेंस है वहाँ प्यार भी है, ये लव का भाव है, क्योंकि ये जब तक प्यार और एक्सेप्टेंस नहीं होगी ये सुकून भी आने वाला नहीं है, तो कैसे एक एक्सेप्टेंस क्या जो भाव मन में हर एक के है वो यही कि एक जजमेंटल नहीं होंगे किसी के लिए, हर कोई महान है अपनी संस्कृति जिस तरह की रख रहे हैं, अगर हमारे एक उठना बैठना खाना पीना एक आकार से अलग दिखने वाले भी हैं तो भी वो कारण नहीं है नफ़रत का पर प्यार का ही है, क्योंकि जहाँ ये बात आ गई कि परमात्मा का ही अक्स हैं सब, एक यही रिफ्लेक्शन है, तो फिर एक स्वयं को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर मानने वाला मन तो होगा नहीं, क्योंकि ये रचना ही इस कादर की जो कुदरत है ये रचनहार एक है, और ये कुदरत कितनी भी अलग दिखे वो खूबसूरती का ही प्रतीक है, और ऐसे ही हम अगर स्वभावों की भी बात करते हैं चाहे वो घर परिवार या दोस्त मित्र कोई भी हमारा दायरा, किसी का भी स्वभाव किसी से मेल नहीं खाता पर फिर भी वो प्यार ही होता है जिसके वजह से हर कोई ईजिली हम हर किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो एक कहानी भी दासी को जो ध्यान में आ रही है कि कैसे अक्सर एक जो एक्सेप्टेंस का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक नॉलेज जब ज़्यादा किसी को आ जाती है तो वो किस तरह से फिर उस दायरे तक सीमित नहीं रहता कि अगर मुझे कुछ खास एक बातें पता है या कहीं मेरी स्पेशलिटी है तो ये बात मैं हर एक को जा के बताऊं कि देखो मेरी बुद्धि कितनी तेज़ है, मुझे कितना ज्ञान है, तो ऐसे ही एक कहानी में जहाँ एक इंसान हमेशा हर दिन उसी ताक में रहता कि कोई मिले और मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बातें करूं ताकि वो देखे कि कैसे मुझ में इतनी एक ज्ञान है, इतनी सोच है, और वहीं एक दिन एक भी इंसान उसे नहीं मिलता, और मिलता क्या है, एक छोटा सा बच्चा जो अंधेरे में एक दिया लेके कहीं जा रहा है, और वही उस बच्चे को ही अब पकड़ लिया गया और कहा कि ये रोशनी इस दिए में आपने अगर जब जलाया था दिया तो आई, तो इससे पहले कहाँ थी ये रोशनी और अब ये कहाँ से उपज है इसका, तो वो बच्चा फटाफट वो दिए को बुझा देता है और बोलता है कि आप ज़्यादा सयाने हैं
तो आप ही बताओ कि अब ये दिया मैंने बुझा दिया है तो ये नूर ये कहाँ चला गया, तो ये जहाँ चला गया वहीं से वापस आ जाएगा। तो वो बात बच्चे की कि कैसे एक बुद्धि, जो बुद्धि एक सोचवान अपने आप को जो समझता है, और वहीं उसकी बुद्धि भी वहाँ समाप्त हो गई, एक इंटेलिजेंस पे जो वो हावी अहंकार वो ख़त्म, और वहीं उस बच्चे के चरण स्पर्श की ये एक हमें वो नहीं देखना कि ये शिक्षा कौन दे रहा है, क्या उनके जीवन में वो बातें लागू हैं जो वो कह रहे हैं, पर ये शिक्षा कहाँ है क्या है। तो बात वही कि ये तो कण कण से शिक्षा है, क्योंकि परमात्मा ही कण कण में है, निराकार पूरे ब्रह्मांड या ब्रह्मांडों में भी हर जगह ही है। और कैसे कण कण में जहाँ निराकार है तो अवश्य ही कण कण से शिक्षा भी ले सकते हैं, फिर वो चाहे शिक्षा देने वाले कोई भी हों, एक अपने आप को समर्पित करके एक मन में इस दातार का ही शुक्राना कि किसी घट से भी कोई शिक्षा मिल रही है, किसी वस्तु किसी अन्य चीज़ से भी, तो हर एक से जहाँ एक प्यार और एक्सेप्टेंस अगर है मन में, तो ही ये भाव कि हर कोई अगर हमारे विचारधारा के विपरीत भी है तो भी कैसे आराम से सुकून से उनकी बात को समझ के एक अपनी बात रखना अलग बात है, पर उस वजह से किसी को नफरत नहीं करनी, एक हेट्रेड का भाव नहीं आता। तो कैसे हर कोई जहाँ सुकून में यह जीवन बिताए, क्योंकि ये संसार में आए हैं, और अन्य कितने ही लोग जो अलग विचारधाराएं रखें कहीं से भी हों, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी एक इस तरह का भी ख्याल नहीं कि हमसे अलग हैं, बल्कि हर एक को एक आईना एक शीशे की तरह देखें कि जो हम में है वही ज्योत सामने है। तो यही ज्योत इस निराकार से आई, और यही ज्योत ये शरीर ख़त्म होने पर, यही ज्योत अपने असली रूप निज घर में, ये मुक्ति एक सालवेशन की बात जो हर कोई ग्रंथ कर रहा है, एक वही जीवन ये वाला जीकर अगर इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो फिर ये मुक्ति का हकदार ये जीवन हो जाएगा। हम अपने जीवन को फिर एक लाभदायक रूप में, एक सदुपयोगी जीवन, एक संतमति से युक्त जीवन, एक वरदानीय रूप का जीवन जी सकते हैं। तो एक इंसान है तो इंसानियत का भाव स्वयं ही आ जाएगा जब ये परमात्मा इस मन में बसा है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके यही बात कि फिर से आप सभी का शुक्राना, जो आए भी जो नहीं भी आ पाए, ये व्यवस्था के रूप में चाहे कैसी थी कैसी नहीं थी उस पे एक फोकस नहीं, फोकस असली बात पे कि इस निराकार पे ही रहेंगे। और जो चाहे सेवा कहीं लगी हो वहाँ पे भी एक मन को स्थिर रख के एक सुकून के साथ ही, हर कोई जिस तरह खुशियों से इधर आए हैं, अब जाते समय भी अपने घर वो आनंद वो ब्लिस वो सुकून लेकर जाएं, पूरे संसार में ये सुकून बांटे। हर एक के एक बनने का ये संसार में अब समय है कि किसी को अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ के ये कोशिश नहीं कि हमारी एक सोच से मैच हो, हमारे नेचर से मैच हो, हमारे जैसे बन जाओ, पर नहीं, वो फ़र्क उनके मुबारक हैं, वो डाइवर्सिटी मुबारक है। बस हमें अब समय है हर एक का बनना है, वो भाव रखना ही नहीं कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, बस हर एक के जितना हम हो जाएंगे उतना और इस परमात्मा के करीब आते जाएंगे। तो भक्तिमय जीवन हर एक के हिस्से आए, हर कोई इस जीवन को मुबारकबाद जीवन बनाकर इस धरती पे जब आए थे तो जितनी वो प्रकृतिक रूप में सुंदर चाहे वैसी उससे भी बेहतर छोड़कर जाएं,
और मनो के अंदर भी सुंदरता एक और हर दिन के साथ और निखरती जाए, ये परमात्मा का वास दिल में और गहरा उतरता जाए, ये एहसास निराकार का ये सुकून एक इससे युक्त होकर ही अपने जीवन को हर कोई जिए। सात संगत जी धन नंका जी। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घोर घुमा कहे अवतार तेरे ही दाता दिन रात से बोलो प्यारे हो धन्यवाद।